देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्य सरकार का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, इस पर अभी सियासी अटकलें जारी हैं। लेकिन इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया है कि वो कुर्सी के पीछे नहीं भागते। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कभी कोई पद नहीं मांगा, तो अब क्या मांगेंगे? सिंधिया ने कहा कि राजनीति उनके लिए सिर्फ जनता की सेवा का माध्यम मात्र है। नहीं, आपके साथ खड़ा हूं। सर, आपने मैं जमीन का व्यक्ति था, मैं जमीन का व्यक्ति हूं और जीवन के अंत तक जमीन का व्यक्ति रहूंगा। मैं आपके साथ सदैव रहा हूं और आपके साथ ही सदैव रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेके जहाँ देखिए, मैंने आपको अभी अपने भाषण में कुछ कहा था ना, तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, पर मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? मैं कभी किसी कुर्सी के पीछे नहीं लगा हूं, चाहे जो इनका मुद्दा था चाहे आपका मुद्दा है। मैं सेवा भाव के आधार पर चला हूं और ये मेरा आचरण ने आपको पिछले 18 साल में दिखाया है, चाहे पिछले दिसंबर का आचरण हो या आज का भी आचरण। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान दीपिका पादुकोण की तारीफ भी की और कहा कि वो दीपिका के साहस का सम्मान करते हैं। सिंधिया के मुताबिक वो छपाक फिल्म जरूर देखने जाएंगे। मैं तो हर पिक्चर को देखता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं और उनको मैं दाद देता हूं कि उन्होंने सत्य का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आसान नहीं है इस वातावरण में अपनी आवाज, उनकी उपस्थिति स्वयं न एक शब्द न कहकर भी बहुत कुछ कह गई, और जो टिप्पणियां हुई हैं उसके बाद, मैं मानता हूं कि ये हमारी देश की संस्कृति के साथ नहीं जुड़ी हुई है कि जिस तरीके से उन पर बौछार किया गया है, जितना हम उसकी निंदा करेंगे वो कम होगा। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जो एक वीरता का एक उदाहरण दिया है और अपनी जो विषय मैंने उठाया है कि अपनी जो एक्सप्रेशन है उसे पूर्ण रूप से उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने वहाँ पूर्ण रूप से तैनात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सेवा दल की भी तारीफ की और कहा कि सेवा दल ना होता तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 2 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसका समापन 12 जनवरी को हुआ। शिविर में सीएम कमलनाथ से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।